कृतिक को देखने जाइए। तो गाइस कृतिक को मैं देखने जाती। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोपहर का टाइम है, दोपहर की घड़ी में देख सकते हैं 3:30 बज रहा है और चाय नाश्ता हमारा 12 बजे हुआ क्योंकि हम वंदना दीदी के घर पे गए थे कल, आपको पता ही है। तो वहीं पे बर्थडे सेलिब्रेट करके हम लोग सो गए। उसके बाद घर पे आया, थोड़ा सा तबीयत डाउन, पूरी पता नहीं क्यों बॉडी दर्द कर रही है बहुत ज़्यादा। बाबू नहीं नहीं थोड़ा सा जगह चेंज होने से भी ऐसा होता है। अरे यार हाथ हटाओ ना अपना, इसको देखो यार बाबू। शैम्पू शैम्पू लेके सैम 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 कर रही है। हेलो बोलो, हाय हाय करो, हाय हाय करो। तो बाबू को यहाँ पे चावल लगाए क्योंकि मैं बनाई थी अभी को, क्या बनाई थी बाबू, भूल गई मैं, तहरी बनाई थी। हेलो, तो ये ऑफिस जा रहे हैं, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये मेरे को ना पकड़ के हिला रही है पूरा कैमरा है, और अभी खिलाई रही थी तो यहाँ पे लग गया है। ओ और अभी वो तहरी खाई है थोड़ा सा, अब मैं बाबू को दही चीनी खिला रही हूँ। तो ये सब गर्मी के मौसम में दही छाछ ये सब पीना खाना चाहिए। नमस्ते करो। तो बैक कैमरे से दिखाते हैं पतिदेव क्या बोल। तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाया तहरी और तहरी के साथ ये दही। पतिदेव को भी मैंने दही दिया है लेकिन वो नमक डाल के खा रहे हैं और मैं चीनी, क्योंकि मुझे ना दही में चीनी डाल के ही अच्छा लगता है। और बाबू हमारी देखिए बैठी हुई है, वो घड़ी में बज रहे हैं 3, इनको ऑफिस के लिए निकलना है बस आधे घंटे के अंदर। तो बोल रहे हैं बाबू मुझे दे दो मैं खाऊँ। मैंने सोचा कि चलो मैं भी साथ में खा लेती हूँ। और बाबू हमारी कितनी क्यूट लग रही है आज। और गाइस मेरे आज फेस पर थोड़ा सा स्वेलिंग है ना, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो इनके ऑफिस का भी टाइम हो गया है, ये बोल रहे हैं कुछ कुछ बोल रहे थे बाबू। चलो बढ़िया है, इसमें थैंक यू वाली क्या बात है, आपका ख्याल रखना मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं कुछ बोली हूँ, मैं कुछ बोली हूँ, मेरी भी बातों का भी ध्यान दे दिया करो। जब सवाल किए जवाब भी तो सुना करो। नहीं आप जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हो। मैं बोल रही हूँ कि इसमें थैंक यू वाली बात नहीं है, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, आपका ख्याल रखना। बात है ना, आप ध्यान देते हो मेरा। बाबू का देखो कैसे है, कैसे कर रही है। अरे अरे वो देख रही है पापा कैसे इतना गोरे हो गए हैं। पापा कैसे बात है तो बढ़िया से मस्ती कर रही है लड़की। इनको ऑफिस भी निकलना है। बाबू प्यार कर लो पापा से। अब उसको मम पीना है। मम कह रही मम, शैम्पू लेके भी खेल रही थी फिर शैम्पू छोड़ी तो कह रही है मम। गाइस देख सकते हो स्क्रीन पे गर्मी कितनी है, 42 डिग्री और मेरे फ़ोन में 43 दिखा रहा है। इतनी गर्मी है कि क्या बताऊँ, मेरा एसी भी अभी नहीं बन पा रहा है। वाह वाह कैरी भो भो बार बार टच करके देख रही कि पापा क्या क्या पहने हैं क्या पहने हैं। हेलो, तो क्या बोले भैया का भी फोन आ गया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भो 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 डॉगी बोल रहा है ना नीचे, तो भो भो कर रही है। जेरी कैसे बोलता है बेटा, बबो बबो कैरी गोद लेने को बबो। चलो अच्छा ठीक है ना, अभी बात बबो कर रही है बबो बबो। अब बिल्ली कैसे बोलता है, मैं डॉगी कैसे बोलता है, अरे मैं भी सब जानता हूँ। पापा पापा को किसी दे दो, किसी दे दो पापा को, पापा जा रहे ना ऑफिस। रुमाल लाए थे, हम दे रहे हैं किसी पापा को। ओ देखो भाई जल्दी बाइक वाला खड़ा है, पापा जा रहे हैं, इसके लिए गुस्सा होके लेट गई बेड पे। अच्छा पापा नहीं जाएंगे, पापा नहीं जा रहे हैं, बाइक वाला नीचे का जल्दी कर दो लेट हो रहा है। आपका है कि आपको दिए थे ना व्हाइट कलर का, चलो अभी देख के दे रहे हैं। तो गाइस गुड इवनिंग, शाम के घड़ी में बज रहे हैं 6 और यहाँ पे मैंने कपड़े लगा दिए हैं धोने के लिए क्योंकि पानी आ रहा था, तो हमने कहा कपड़े धो देती हूँ।
और वैसे भी कल पानी नहीं आएगा तो आज धो के हटा देंगे, सही रहेगा। आगे भी मुझे बहुत सारा काम है, अब मेरा बर्थडे भी दिया, अब पता है आपको, ज़्यादा नहीं 5 दिन 6 दिन है, आज हो गया 10 तारीख और 16 तारीख को मेरा एनिवर्सरी है हमारा, तो हमें उसकी भी तैयारी करनी है। और पता है मैं आई वंदना दीदी के घर से ना, तो थोड़ा सा तबीयत डाउन हो गया था, तो हमने अपने सर में थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगाया। मैं बहुत ज़्यादा, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से एसी ख़राब है, इसलिए मैं ज़्यादा ऑयल नहीं लगाती हूँ सर में। और बाबू हमारी देखिए वहाँ सो रही है, तो अभी कपड़े वगैरह भी थोड़ा फोल्ड करना है, अभी पहले धो लेते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जब पानी आता है ठंडा ठंडा ना, तो ये होता है कि चलो सब काम कर लो, जो भी चाय नाश्ते का बर्तन, तो चाय नाश्ते का तो धो लेते हैं, फिर जो हमने तहरी खाया था अभी उसका बर्तन धोना है, कुकर वगैरह खाली करूँगी तो। और मौसम देख सकते हैं, दोपहर में तो ऐसा हो रहा था कि जैसे बारिश होगा, बद्री जैसा मौसम बना था। और बच्चे नीचे देखिए खेल रहे हैं, डर लग रहा है फोन ना गिर जाए मेरा। और उसके बाद यहाँ पे हमने देखिए पानी आ रहा है, और जब पानी आता है ना तो ये होता है यार सारा काम आज ही मतलब करके ख़त्म कर दो, कल के लिए कोई काम ना रहे। और वैसे भी एक दिन पानी आता है एक दिन नहीं आता है, तो जितना हो सकता है आप मतलब पानी वाला काम जितना हो सकता है आज ही कर लेती हूँ। किचन में भी कोई काम तो नहीं है, बस थोड़ा साफ़ सफाई हो गया है, बस कुकर को खाली करना है, बर्तन धोना है, बहुत ज़्यादा बर्तन भी नहीं है, थोड़ा सा बर्तन है, आपको लग रहा होगा ज़्यादा है लेकिन थोड़ा सा, ये 3-4 थाली है और एक छोटा सा भगोना। और गाइस यहाँ पे ना मेरे पूरे दाना निकल गए, देख सकते हो मैं यहाँ पे खुजली कर दी ना, मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है इस गर्मी में ना, मतलब पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से मेरी शादी हुई है, मुझे वैसे ना कितनों भी घमौरिया हो लेकिन घमौरिया कहें, कितनों भी गर्मी हो लेकिन मुझे घमौरिया वगैरह नहीं होती है, लेकिन और सच में मुझे, मैं गर्मी मतलब पहले भी ऐसा होता था कि मैं गर्मी में रहूं या ना रहूं, अभी तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रहा है, पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, 50-55 की डिग्री गर्मी इतनी नहीं होती थी, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है। इस साल तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ऐसा गर्मी कभी नहीं पड़ा है, तो शायद इस वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है। और ये जो मैंने चैन पहन रखा है ना, ये मैं जा रही हूँ निकालने, मैंने कल मैंने निकाला था, क्योंकि पीछे से ना ये पीछे का बाल जो है इसमें बहुत ज़्यादा फंस जाता है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, तो इसको भी मैं जा रही हूँ निकालने, क्योंकि मेरी मम्मी से बात हो रहा था, तो मम्मी को बताया, मम्मी मुझे पता नहीं क्या हो गया है गर्दन में, बहुत तेज से चुभ रहा है, एकदम जलन हो रहा है, मैं खुजली कर रही हूँ ना तो और चुभ रहा है। एक तो एसी भी नहीं चल रहा है कि चलो थोड़ा बहुत आराम हो, 3-4 दिन से, 4-5 दिन, आज 5वां दिन है कि एसी हमारा अभी बना नहीं, बस आज एसी वाले भैया को इन्होंने कॉल किया तो वो बोले कि कल तक हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका एसी मतलब बन जाए। इनडोर में नहीं, बस आउटडोर में दिक्कत है, देख सकते हैं ये है हमारा आउटडोर, और पूरा एकदम उसका डल्ला पल्ला सब कुछ खुल गया है, और आएंगे तो उसमें पीसीबी कुछ होता है वो ख़राब हो गया है, तो आएंगे कल, भगवान करे, आप लोग भी प्रे करिए कि कल तक जो है हमारा एसी बन जाए और हम लोग थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होके पूरी नींद लें। तो पानी देखिए भरा गया है, बस यही वेट करते हैं कि पानी भर जाए तब हम कपड़ा धोएं। चलिए पानी भर गया है, ये तो इतना कपड़ा वैसा है जैसे कि ये कल का है, आज का कपड़ा भी यहाँ पे है, जो कल मैं ग्रीन वाला सूट पहनी थी गाइस, आप लोग बहुत तारीफ कर रहे थे उसके लिए, थैंक यू। और वो मैंने लिया था ऑनलाइन, मैंने मिंत्रा से लिया था, क्योंकि ना मेरे और रिलेशन में एक लोग ने पहना था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने भी उनसे पूछा, तो मैंने भी मंगा लिया, मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने भी मंगाया और पहनी, और सच में बहुत ही कंफर्टेबल और फैब्रिक अच्छा था, तो आप लोग को भी पहनना होगा तो जाइएगा ले लीजिएगा। और जो मैंने साड़ी अपनी सॉरी ऋषभ के बर्थडे में पहना था, वो साड़ी गाइस, वो साड़ी मैं बता दूँ, वो ऑनलाइन नहीं, मैंने ऑफलाइन ख़रीदा था मदन गिर के शॉप से, तो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे दीदी इसका लिंक दीजिए, तो सॉरी मैं उसका लिंक नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है तो मैं लिंक कहाँ से दूँ। तो चलिए यही सब बातें थी, तो मैंने कहा आप लोग से शेयर किया जाए। और बहुत लोग का ये कमेंट आ रहा है कि आप कृतिक को देखने नहीं गई, कृतिक को देखने जाइए, तो गाइस कृतिक को मैं देखने जाती, लेकिन मेरी सासू माँ से बात हो गई थी और एसी वाले भैया बोल रहे हैं आज आऊँगा, कल आऊँगा, सुबह आऊँगा, शाम आऊँगा, तो मैं छोड़ के जा भी नहीं सकती थी,
तो इसके सासू माँ से मेरी बात हुई, वो बोल रही थी कि चलो कोई बात नहीं, और यहाँ भी तुम्हें देखना है कहाँ कैसे क्या होगा, चलो जाने दो, सब लोग हैं ना, जब सब लोग नहीं होते, वो अकेली होती वंदना दीदी या पूनम दीदी, मतलब कोई नहीं होता तब दिक्कत होता खाने पीने का, तब मैं जाती, लेकिन अभी सब लोग हैं, देख रहे हैं, और फ़ोन पे मतलब बात बात होती रहती है, ऐसा नहीं है कि हाँ बात नहीं होती है, मुझे हाल चाल कुछ पता नहीं चलता है, पानी बंद कर देती हूँ, तो जब फ़ोन पे बात बात होती रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी बंद कर देते हैं क्योंकि उधर भर गया है, और तो चलिए यही सब बातें थी। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छे और नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।